एम्स को दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर अभी तक एम्स में मौजूद नहीं था। लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल यानी एम्स में स्क्लेरोसिस और बोन कैंसर जैसी बीमारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऑपरेशन थिएटर बन चुका है। साथ ही इस ऑपरेशन के बेहतर रिजल्ट के लिए मॉडर्न टेक्निक से लैस भी किया गया है। आगे आपको बताते चले कि इसमें रोबोट एक्स्ट्रा ऑपरेटिव सीटी सी आर्म ओ आर्म नर्व ऑपरेटिंग इक्विपमेंट में सातों ऑपरेशन थिएटर लैस है। अगले हफ्ते से यह ऑपरेशन थिएटर औपचारिक रूप से शुरू भी किया जा सकता है। तो वहीं आपको इस बात से रूबरू करवा दें कि एम्स के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने कहा है कि एम्स हमेशा से बेहतर इलाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। साथ ही आर्थोपेडिक विभाग में 7 नए ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को काफी सुविधा मिल सकेगी, क्योंकि अब एम्स स्पाइन और बोन कैंसर से जुड़ा इलाज बेहतर तरीके से एम्स में हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार हमारा मकसद मरीजों को सबसे बेस्ट सुविधा देना होता है, जिससे वे अपना इलाज बेहतर तरीके से करके अपने घर जल्दी पहुंच सके। हालांकि पूरे देश की बात की जाए तो एम्स ऐसा हॉस्पिटल है जहां 100 रुपये का काम सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में ही किया जाता है, लेकिन एम्स के डॉक्टर के अनुसार ये देश का सबसे बेस्ट मॉडर्न आर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर होगा। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके शुरू होते ही स्क्लेरोसिस जैसी बीमारी के इलाज में वेटिंग आधी होने की संभावना हो सकती है। आपको बता दें कि एम्स एक साल में 100 से 150 सर्जरी करता है, लेकिन इस सुविधा के शुरू होते ही लोगों को अनेकों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, जिससे महिलाओं को या फिर पुरुषों को लंबी लाइन की कतार में खड़ा नहीं होना पाएगा और जल्द ही जल्द उनका इलाज संभव होगा। किरण हेल्थ डेस्क से रानी की रिपोर्ट।